साथियों, बिहार अब उन लोगों को पहचान चुका है जिनका एकमात्र सपना है किसी तरह लोगों को डराकर, अफवाह फैलाकर, समाज को बांटकर, कैसे भी करके सत्ता हथिया लेना। इनकी तो बरसों से यही सोच है, इन्होंने यही देखा है, यही समझा है, यही सीखा है। भाइयों बहनों, हमारे यहां बिहार में कहा जाता है, साथियों, ये आपका उमंग, ये उत्साह, ये विराट जनसागर, ये अद्भुत नजारा है, ये अद्भुत नजारा। भाइयों बहनों, हमारे यहां बिहार में कहा जाता है, अनकर धन पाई, बिहार में कहा जाता है, अनकर धन पाई त नौ मन तो लाई। स्वार्थ का भाव ये कि जब दूसरे का पैसा है, जितना चाहे मार लो, खरीदो, क्या फर्क पड़ता है। जब जनता का पैसा है तो जितना चाहे लूटो। ये लोग जनता के लिए, आपके लिए काम नहीं कर सकते। लेकिन आज बिहार की जनता, देश की जनता इन सब लोगों की सच्चाई बराबर जान चुकी है। आप देखिए, ऐसे ही झूठ बोल बोल कर कांग्रेस ने देश के लोगों को क्या क्या सपना दे ही दिखाया। याद कीजिए दशकों पहले की वो दिन, उछल उछल करके बोल रहे थे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। चुनाव आते ही कहते थे किसानों का कर्ज माफ करेंगे, माफ करेंगे। कभी फौजियों को मिलते थे तो कहते थे देखिए वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। कभी व्यापारियों से मिलते तो फिर जब लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, टैक्स का जाल कम करेंगे, टैक्स का जाल कम करेंगे। बातें बहुत की, लेकिन भाइयों बहनों, इतिहास गवाह है, दस्तावेज मौजूद है, इन्होंने इसमें से एक भी काम नहीं किया। बातें की, गुमराह किया लोगों को, और इसलिए जनता को लंबे अरसे तक मूर्ख नहीं बना सकते हो। देखिए कांग्रेस का हाल क्या हुआ है, कांग्रेस की हालत कैसी करके रखी है जनता ने। आज कांग्रेस की हालत यह है, आज कांग्रेस की हालत यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दें तो भी कांग्रेस के पास 100 सांसद भी नहीं है, 100 सांसद भी नहीं है। ये हाल जनता ने उनका करके रखा है, और जब भी मौका मिलता है जनता आज भी उनको सजा देती रहती है। और इतना ही नहीं, इस देश के अनेक राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों ने कांग्रेस के एक भी बंदे को लोकसभा राज्यसभा तक पहुंचने नहीं दिया। जम्मू कश्मीर देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, अनेक ऐसे राज्य हैं जहां से कांग्रेस के एक बंदे को भी वहां की जनता ने दिल्ली लोकसभा राज्यसभा में पैर नहीं रखने दिया।
आप कल्पना कर सकते हैं देश की जनता इन लोगों से कितनी नाराज है। यूपी बिहार जैसे राज्यों में आज कांग्रेस तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर किसी का कुर्ता पकड़ के बचने की कोशिश कर रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। जबकि एनडीए सरकार जो कहती है और कहती भी वही है जो जनता के लिए जरूरी है, और जो जनता के लिए जरूरी है उसी के लिए जी जान से जुड़ जाती है और करके दिखाती है।